हम इस वक्त जा रहे हैं सुखवा कैफ की तरफ, और बीच में ये एक पार्क का एरिया है, वो मस्जिद है जो कि बहुत ही फेमस है जो आप देख रहे हैं पीछे। और ये हमें आज हम पहुंच गए हैं सुखवा कैफ। इसके पहले हम जब रास्ते में थे तो एक बंदा मुझे चिपक गया था, उसका मकसद था कि जो मेरे असल में पीछे कुछ हेयर फॉल हुई है, तो वो हेयर फॉल के चक्कर में बताने लग गया कि भाई आप ये चीज़ें यूज़ करो। और उससे हेलो, ये आ गए जी हम सुख वाकिफ में, और ये पता नहीं क्या है नीचे अंडरग्राउंड जाने के लिए रास्ता। वो शख्स जो है वो कह रहा था कि भाई आपकी बैडनेस जो है, मतलब जो हेयर फॉल हुई हुई है, उसके लिए आप ये चीज़ें यूज़ करें, तो वो आपको एक ही दफ़ा यूज़ करनी पड़ेगी, उसके बाद दोबारा यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। तो वो मुझे ले गया एक शॉप पर, तो वहाँ पर उसने ऑयल भी दिलवाया और जो है कुछ जड़ी बूटी भी दिलवाई। तो उसने कहा वन टाइम यूज़ करना पड़ेगा आपका, और फिर दोबारा आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहरहाल चूना लगना था वो तो लग गया। तो जी हम एक अंडरग्राउंड, इन्होंने एक बाईपास बनाया हुआ है, मतलब अंडरग्राउंड पास बनाया हुआ है, रोड बजाय रोड क्रॉस करने के आप जो है अंडरग्राउंड एस्केलेटर के थ्रू यहाँ से चले जाएं। ये ऊपर बोर्ड भी लगाया हुआ है सुख वाकिफ का। तो आजकल ये ट्रेंडिंग स्कैम चल रहा है पूरे गल्फ में, तो आप अगर गल्फ आ रहे हैं तो इन स्कैम से बचें। तो जी हम इंटर हो चुके हैं सुख वाकिफ में अमेरिका। ओल्ड हेरिटेज का यहाँ पर पूरा ओवरव्यू दिया हुआ। ये जी एक सोवेनियर शॉप है। हाँ बैठा बंदे का, द विलेज रेस्टोरेंट, यहाँ पूरा फूड कोर्ट एरिया ही लग रहा है, सारा खाने पीने की जगह है यहाँ पर। ये जी अंगूठा बनाया हुआ है, पर इसकी कुछ समझ में नहीं आएगी इसका बनाने का मकसद क्या है। ये जी सुख वाकिफ का आर्ट सेंटर है कोई, आगे देखते हैं अंदर क्या है। अच्छा ये गैलरी है कोई। शेड तो नहीं है, इन्होंने लगाया हुआ है नीचे करके। मुख्तलिफ आर्टिस्ट की गैलरीज हैं अलग सेपरेट। आर्ट गैलरी सुख वाकिफ की, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त, हर आर्टिस्ट ने जो है अच्छा काम करके जो है इधर प्रेजेंट कर रहे हैं लोगों को, और एक तरह से एंटरटेनमेंट का भी और टूरिस्ट अट्रैक्शन का भी बंदोबस्त किया हुआ है इन्होंने। किसी आर्टिस्ट ने यहाँ पर गाज़ा के हवाले से, जो गाज़ा में मुजालिम हो रहे हैं और या मतलब कि गाज़ा में जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने कुछ यहाँ पर आर्ट वर्क दिखाया है, और मेंशन किया है उसने कि गाज़ा इन आवर आइज़, मतलब उसकी आंखों से गाज़ा क्या दिखता है वो पूरी एक गैलरी। ये दूसरी साइड पर भी यही है, मतलब किस तरीके से वो लोग अपने आज़ादी को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं
वो सारा इधर आर्ट वर्क में उसने बयान किया हुआ। आगे जी ख़त्म हो रहा है रास्ता, तो हम वापस की तरफ चलते हैं। ये जी यहाँ पर बच्चों के लिए ऊँट पर बैठ के और उसको इर्द गिर्द यहाँ पर गोल चक्कर लगाने के लिए बनाया हुआ सिस्टम। खरगोश है ये तो, पानी पी रहा है। लेकिन तो पानी कैसे पी रहा है वो मासूम? चुप हो जाओ परिंदो वरना उड़ा दूंगी मैं। इतना शोर कर रहे हैं ये। हेलो, अंदर वीडियो नहीं बनाने का। गजब बेइज्जती है। तो फाइनली हम चल चल के थक हार के अब एक रेस्टोरेंट पर आए हैं जिसका नाम बाय बाय है। हमने सूक वाकिफ़ पर बहुत ट्राई किया कि उधर जो भी रेस्टोरेंट है, जो उधर रेस्टोरेंट है उधर हम कुछ खा पी सकें, पर इतनी लंबी लाइनें थी हर जगह, तो बस हमने फिर यहीं आके अपना स्टॉप किया है। तो उम्मीद करता हूँ अच्छा खाना होगा, देखने में तो ठीक ही लग रहा है, बाकी आता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। फाइनली पहले ऑर्डर में हमारे आए हैं फ्राइज़, बाकी दूसरा ऑर्डर अभी बाकी है। तो बेसिकली ये फ्राइज़ तो मेरी बेगम के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं तो पर हम शेयरिंग में खाएंगे। तो जी हमारा दूसरा ऑर्डर आ गया जिसमें फ्राइड राइस है और शवरमा प्लेटर है। तो हम अपना खाना एंजॉय करते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग होटल वापस आ चुके हैं अपना खाना खा के। तो आज मैंने आपको दिखाया कतर का नेशनल म्यूज़ियम, उसके बाद हम वॉक करते हुए सूक वाकिफ़ चले गए थे। सो ये सारा जो भी जर्नी थी हमारी आज, वो हमने सारी बाय वॉक की है, जिसकी वजह से टांगों में थोड़ा सा पेन भी हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादा चलने से आपको जो है स्ट्रेस हो जाता है टांगों में। बहुत अरसे के बाद जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं पैदल, तो आपको मतलब पैदल चलने में थोड़ी तकलीफ़ होती है। इसके अलावा जो हमने विज़िट किया नेशनल कतर म्यूज़ियम, उधर हमने जो है एक चीज़ देखी जो कि खुद इटसेल्फ जो कतर म्यूज़ियम है वो डेजर्ट रोज की शेप का बना हुआ था। तो हमने कहा इस तरह का जो है लाजम सोवेनियर हमें साथ लेना चाहिए। तो बेसिकली वहाँ जो हमने देखा सोवेनियर, उसकी प्राइस तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब एक नॉर्मल से साइज़ का था कोई 350 का। तो मैंने कहा कि यार चलो हम सूक वाकिफ़ जा रहे हैं, वहाँ मतलब सुना है कि बहुत रिजनेबल चीज़ें मिल जाती हैं सस्ते में, वहाँ सोवेनियर्स आपको रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो हमने काफ़ी सारी शॉप पर देखा जो कि कभी कहीं सस्ता था कहीं महंगा था। तो एक जगह थी जो बिल्कुल ही जिसने जो है मतलब एंटीक्स चीज़ें रखी हुई थी पूरी,
जिसमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें सिर्फ उन्होंने अपने शोरूम की डिस्प्ले के लिए रखी हुई थी, जो कि सेल के लिए नहीं थी। उधर से ही हमें एक जो डेजर्ट रोज़ है वो पसंद आया, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये हमें बहुत ही मुनासिब दामों में मिला वहाँ से, और वहाँ से हमें इसकी जो है असल अहमियत का भी पता चला कि ये आखिरकार सहरा में कैसे बनता है। तो बेसिकली ये होता तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सैंड है, ह्यूमिडिटी है और पानी है। तो जब ये एक जगह जमा हो के ये सारी चीज़ें, तो इस तरह की ये चीज़ें बन जाती हैं, जिसे डेजर्ट रोज़ कहा जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ये इतने साइज़ का कम से कम कितने टाइम में सैंड कलेक्ट होके ये बनता होगा। तो उसने कहा कि ये मोर देन 100 ईयर पुराना ये होगा, तभी ये इतने इस साइज़ का बना है। तो ये 100 ईयर अबव का ये पूरा डेजर्ट रोज़ है, जो कि मुझे बहुत ही मुनासिब दामों में मिला और मैंने ये ले लिया एज़ आ मतलब कि शोपीस के तौर पर अपने कहीं घर में रखने के, और मतलब कि एक तरह से सुवेनियर भी है कि भाई ये चीज़ हमने यहाँ से ली। जो मैंने आपको दिखाया म्यूज़ियम, वो तकरीबन इसी शेप का बना हुआ है। आपने देखिएगा इमेज में या वीडियो में आपको नज़र आ जाए, तो वो बिल्कुल इसी शेप का बना हुआ है। तो ये था आज का सफ़र, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाजिम लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें। भाई को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।